सूरत सहित दक्षिण गुजरात की 82 बैठकों की पहली डिसेम्बरे चूंटणी योजाशे त्यारे जिल्लामां 47,45,980 मतदारों मताधिकार उपयोग करशे। विधानसभा में 7,578 बैलेट यूनिट, 6,790 कंट्रोल यूनिट, 8,384 वीवीपैट की फाड़वणी कराई छे। तेमज जिल्लामां 19,266 पोलिंग स्टाफ और 252 माइक्रो ऑब्जर्वर की निमणूक करवामां आवी छे। 16 विधानसभा बैठकों पर मतदान माटे ईवीएम और वीवीपैट मशीन की फाड़वणी कराई छे। तो प्रथम तबक्काना मतदान ने लईने जामनगरनी 5 विधानसभा बैठकों पर चूंटणी व्यवस्थानी प्रक्रिया अंतिम तबक्कामां छे। जिल्लानी 5 विधानसभा बैठक पर 1,289 मतदान बूथ उभा करवामां आव्या छे। शहेरनी ओसवाळ शाळामां हाल सरकारी कर्मचारीओने ऑर्डर ईवीएम अने स्टेशनरी सहितनी सामग्रीनी फाळवणी करी हती, त्यारे जिल्लामां कुल 12,00,000 वधु मतदारो छे। तो हाल 3,887 सरकारी कर्मचारीओ चूंटणी फरज पर तैनात कराया छे। तो गुजरात में पहला तबक्का मतदान पहली डिसेम्बरे योजनार छे, जेमां दक्षिण गुजरात में छेवाड़े आवेली वलसाड़ जिला की उमरगाम विधानसभा बैठक माटे सरकारी तंत्र मतदान कामगीरी ने आखरी ओप आपी रह्यो छे। तो उमरगाम में ईवीएम सहित चूंटणी माटेनी अन्य सामग्री साथे सरकारी तंत्र सज्ज बन्यु छे। उमरगाम खाते डिस्पेच सेंटर पर कुल 278 बूथों पर थनार मतदान माटेनी सामग्री वितरण करवानी व्यवस्था करवामां आवी। तो जिला पोलीस सहित उमरगाम पोलीस अने सीआईएफ ना जवानों कड़क बंदोबस्त गोठवामां आव्यो। तो वलसाड जिल्लानी 5 विधानसभा बैठक पर आवतीकाले मतदान योजाशे, जेने लईने चूंटणी तंत्र द्वारा ईवीएम अने वीवीपैट नी डिस्पैचिंग नी कामगीरी हाथ धरवामां आवी। 274 बूथ पर पोलिंग ऑफिसरो ने रवाना करवामां आव्या हता अने आशरे 1,600 कर्मचारी प्रक्रिया में जोड़ाया। त्यारे चूंटणी शांतिपूर्ण माहौल में थाय ए माटे पोलीस द्वारा चुस्त पोलीस बंदोबस्त गोठववामां आव्यो। तमाम पोलीस कर्मचारियों ने डीवायएसपी द्वारा जरूरी मार्गदर्शन पण आपवामां आव्यु हतुं। तो भरूच जिल्लानी 5 बैठकों माटे आवतीकाले जिल्लाना 12,65,588 मतदारों पोताना मतनो उपयोग करशे। तो जिल्लामां 1,359 मतदान मथको उभा करवामां आव्या छे, जेने लईने 5,901 पोलिंग स्टाफनी निमणूक करवामां आवी छे। तो जिला चूंटणी अधिकारी अने कलेक्टर तुषार सुमेराए डिस्पेचिंग सेंटरनी मुलाकात लईने माहिती मेळवीने व्यवस्था माटेना सूचनो कर्या हता। तो वेरावळमां वर्षोथी भाजप साथे जोड़ायेलो दशनाम साधु समाज कोंग्रेसमां जोड़ाता राजकीय भूकंप सर्जायो। वेरावळमां दशनाम साधु समाजना अंदाजित 5,000 मतदारों छे, त्यारे समाजना प्रमुखे आगेवानोने विश्वासमां लीधा वगर भाजपने टेको आपता समाजमां नाराजगी जोवा मळी, जेने लईने समस्त दशनाम समाजना उपप्रमुख पूर्व प्रमुख अग्रणीओ युवानोनी बहोळी संख्यामां कोंग्रेसना उम्मीदवार अने सिटिंग धारासभ्य विमल चुडासमाने जाहेर टेको आपता राजकारण गरमायुं छे। तो गुजरात विधानसभा की चूंटणी प्रचार धमधमाट चाली रह्यो छे, त्यारे तमाम पक्षों पोतपोतानुं काम बोले। सरकार मोटे उपाड़े विकास की बात करे, केवो विकास है खंडेर हालत में आंगनवाड़ी पर ख्याल आवशे। तो भाबरनवा में आवेला आंगनवाड़ी नंबर 14 खंडेर हालत में छत पर पोपड़ा उखड़ी नीचे पड़ी रहा है, त्यारे वीज वायरो तूटेला खुला पड़ा है। तो आवी हालत में नाना बाळकोने आंगनवाड़ी रूम में केवी रीते बेसाड़ी शकाय। हाल तो बाळकोने रस्ता पर ना झाड़ नीचे शियाळो उनाळा चोमासा में बेसवा माटे मजबूर बन्या छे। तो गुजरात विधानसभा ने चूंटणी काउंटडाउन शुरू थई गयु छे, त्यारे प्रथम तबक्का की 19 जिला की 89 बैठकों माटे पहली डिसेम्बरे मतदान योजावा जई रह्यु छे। त्यारे जेथी प्रथम तबक्का की चूंटणी माटेना प्रचारना पड़घम शांत थया, तो आदर्श आचार संहिता प्रमाणे कोईपण राजकीय पक्षना चूंटणी प्रचार पर प्रतिबंध रहेशे। पहली डिसेम्बरे प्रथम तबक्का की 89 बैठकों पर मतदान थशे, जे माटे राज्य चूंटणी पंचे संपूर्ण तैयारी करी छे। जेमा पहली डिसेम्बरे सवारे 8 वाग्याथी 5 वाग्या सुधी मतदान योजाशे, जेमा कुल 788 उम्मेदवारोनुं भावी नक्की थशे। तो कांग्रेसना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएमनी तुलना रावण साथे करी हती।
ખડગેના નિવેદનને લઈને કેન્દ્રીય મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે દુનિયાના સૌથી લોકપ્રિય નેતાનું અપમાન કર્યું છે. દરેક જગ્યાએ પીએમ દેખાય એનો મતલબ એ રાવણ છે. આ ન માત્ર પીએમનું પણ દરેક ગુજરાતીઓનું અપમાન છે. पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए रावण शब्द प्रयोग ने लईने प्रतिक्रिया आपता कह्युं हतुं के कांग्रेसे पीएम मोदी माटे करेलो शब्द प्रयोग कांग्रेस ने नड़ी जशे. तो साथे रूपाणीए पीएम ने रावणनी साथेनी तुलनाने गुजरातीओनुं अपमान गणाव्युं हतुं अने दावो कर्यो हतो के गुजरातीओ आ टिप्पणीने सहन नहीं करे. तो विधानसभा चूंटणी मतदान पहला जगदीश ठाकुरे भाजप पर गंभीर आक्षेप करता कहूं कि भाजप गुजरात में आदिवासी ने आदिवासी लड़ाई ने मारी नाखवा मांगे छे त्यारे भाजप कांग्रेस की रेली सामसामे आवी जता चूंटणी पंच सामे सवालो उठ्या. तेमणे जणाव्युं कि कांग्रेस कार्यक्रम की परमिशन होय त्यां भाजप की रेली केम योजाई हती. तो पाटण जिला में प्रचार प्रसार तेज बनावा कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समी और सरस्वती तालुका में जाहिर सभा योजी थी जेमां कांग्रेसे रोजगारी मोंघवारी खेडूत शिक्षण आरोग्य जेवा मुद्दाओं ने छेड़ी ने आठ वचनों ने जाहरात करी थी. तो आ सभा दरमियान भाजपना शंकरजी ठाकुरे लविंगजी ठाकुर साथ छोड़ीने कांग्रेस साथ जोड़ाण कर्युं जेमां शंकरजी ठाकुर 500 टेकेदारों पण कांग्रेस में जोड़ाया था. तो गुजरात विधानसभा चूंटणी प्रचार अर्थे आवेला गोवाना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंते जणाव्युं हतुं के गुजरात मॉडल देश में चाली रह्युं छे. गुजराते गांधीजी सरदार पटेल मोदी जेवा वैश्विक नेता आप्या छे अने क्षेत्रे गुजरात प्रथम नंबरे छे. गुजरात मॉडल ने बीजा राज्यों फॉलो करी रह्या छे. तो लुणावाड़ा और बालासिनोर विधानसभा बैठक भाजपा उम्मीदवार समर्थन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लुणावाड़ा खाते जंगी जनसभा ने संबोधित करती. योगी आदित्यनाथ कहूं कि गुजराते दयानंद सरस्वती सरदार पटेल महात्मा गांधी नरेन्द्र मोदी सहित वीर सपूतों आप कांग्रेस शासन में गुजरात में थता कोमी रमखाणों उल्लेख कर हाल में मोदी सरकार में क्यारे कर्फ्यू करने की नौबत नहीं आई तम जु. तो डभोई भाजपा उम्मीदवार शैलेष मेहता प्रचार में योगी आदित्यनाथ जी डभोई सभा गजवी थी. कॉमर्स कॉलेज पास प्रचंड सभा योजना. तो सभा में डभोई उम्मीदवार शैलेष मेहताए कांग्रेस उम्मीदवार पर प्रहार कर गैरकायदेसर बांधकाम करना ने नहीं छोड़वामां आवे तमे बुलडोजर चलावानुं कह्युं हतुं. विधानसभा चूंटणी प्रचार प्रसार अंतिम कलाकों में भाजपे पूर्व पश्चिम विधानसभा विस्तार उम्मीदवारों चूंटणी प्रचार अर्थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भावनगर आया था त्यारे भावनगर शहर विठलवाड़ी विस्तार की सभा ने संबोधन कर्या बाद भव्य रोड शो योजो हतो. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पालनपुर भाजप कार्यालय पहुंची कार्यकरों से बैठक करी थी. सीएम भूपेन्द्र पटेल भाजप कार्यकरों ने चूंटणी लक्ष्य मार्गदर्शन आप उम्मीदवार अनिकेत ठाकर ने जुटाड़ दावो कर. तो राजकोट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल कमलम खाते भीखू दलसाणिया सहित नेताओं साथ बैठक करी थी. बैठक बाद पत्रकारों सी आर पाटिल ने केटली बैठक मळशे तेवो सवाल कर्यो हतो जेना जवाब सामे पाटिले कह्यु के एक दिवस बाकी छे कई कही ना शकाय. तो गुजरात में ड्रग्स नो कारोबार धमधमी रह्यो होवानी प्रतीति करावतो किस्सानो पर्दाफाश गुजरात एटीएसए कर्यो. त्यारे गुजरात एटीएसए वडोदरा ग्राम्य में आवता सिंगरोड में एक केमिकल फेक्टरी पर दरोड़ा पाड्या हता जेमां ड्रग्स बनावट में उपयोग में लेवातो केमिकल तैयार करवामां आव्युं हतुं. आम गुजरात में चूंटणी पहला गुजरात एटीएसए ड्रग्स साथ करती फेक्टरी पर्दाफाश कर्यो. तो आ फेक्टरी में गुजरात एटीएसए एफएसएल की मदद पण लीधी हती. तो वडोदरा एसओजी पुलिस तेमज तालुका पुलिस पण आ तपास कामगीरी में जोड़ाई हती. मोड़ासाना सबलपुर रोड पर नवजात शिशु मळी आवी हती. रिक्षा चालक ने बाळकना रड़वानो आवाज आपता जाण थई हती. तो नवजात शिशु ने सार्वजनिक हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्यो. तो पुलिसे हॉस्पिटल पहोंचीने विगतो मेळवी हती. नवजात शिशु 2-3 दिवसनो होवानो अनुमान छे. समग्र मामले पुलिसे वधु तपास हाथ धरी. तो
मोरबी में विंटेज सिरामिक में जाण्या शख्सोए हमलो कर्यो। सिक्योरिटी केबिन में तोड़फोड़ करी शख्सो नासी छूटा था तो भयनुं वातावरण फैलायुं। तो आ कारखानुं कांग्रेसना उम्मीदवार जयंतीभाई पटेलनुं पोलीसे बनाव अंगे तपास हाथ धरी छे। तो जूनागढ़ में शंकास्पद पीणू पीधा बाद बे व्यक्तिओना मृत्यु थया होवानो सामे आवता पुलिस तंत्र दौड़तू थयुं। तो पीणानी आड़सरनी राव साथे जूनागढ़नी सिविल हॉस्पिटल में त्रण दर्दीओने गंभीर अवस्था में सारवार अर्थे खसेड़वामां आव्या हता, ज्यां सारवार कारगत न निवड़ता बे व्यक्तिओ हॉस्पिटल बिछाने आखरी श्वास लेता, ज्यारे अन्य एक दर्दी गंभीर हालत में होवाथी चकचार मची जवा पाम्यो। तो जेसर तालुकाना बेड़ा गामे वाड़ी विस्तार में सिंह हमलो कर्यो हतो, जेमां गाम में दीपूभाई बोघाभाई मकवाणा तेमज इस्लामिक भाई इजाग्रस्त थया हता, जेओने प्रथम महुआनी जनरल हॉस्पिटल में खसेड़वामां आव्या। प्राथमिक सारवार बाद वधु सारवार अर्थे भावनगर रेफर कराया। अमदावादना छारानगर में बातमी आधार एसओजी क्राइम ब्रांचे एमडी ड्रग्स जत्था साथ महिला की धरपकड़ करी। तो आरोपी महिला पास थी 14 ग्राम एमडी ड्रग्स जत्थो मिली आयो हतो। महिला घर में पुलिस 1.41 लाख 14 ग्राम एमडी ड्रग्स कब्जे कर्यो। तेरे महिला की पूछपरछ करता महिलाए परिवार गुजरान चलावा ड्रग्स वेचती होवानी रजूआत करी हती। तो सोनगढ़ आरटीओ चेकपोस्ट नजीक गांजो झड़पी पाड़वामां आव्यो, त्यारे उच्छलना बेड़की नाकाथे शंकास्पद आरोपीओ फरार थता फिल्मी ढवे पोलीसे पीछो कर्यो। त्यारबाद पोलीसे कार बाइक अने चूंटणी फरजना वाहनोने अड़फेटे लीधा। महाराष्ट्र तरफथी सूरत तरफ शंकास्पद कारमांथी एसओजी पोलीसे गांजो झड़पी पाड्यो, त्यारे कार सवार त्रण आरोपीओने पोलीसे धरपकड़ करीने पूछपरछ हाथ धरी छे। आरबीआई जणाव्या मुजब पायलट प्रोजेक्ट में चार बैंकों भारतीय स्टेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक यस बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ना चार शहरों में रिटेल डिजिटल रूपया जारी करने काम करते, त्यारे पछी अन्य चार बैंकों बैंक ऑफ बरोड़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पण आ प्रोजेक्ट साथ जोड़ाशे। आम कुल 8 बैंकों डिजिटल रूपया जारी करते। तो यूपी ना लखनऊ बहराइच हाईवे पर गमखवार अकस्मात सर्जाया हतो। प्राथमिक विगतों मुजब रोडवेज नी बस ने बाजूमांथी आवती ट्रके टक्कर मारी हती, जो कि टक्कर एटली गंभीर हती कि 6 लोकोना घटना स्थले ज मौत निपज्या हता, ज्यारे 15 मुसाफरो घायल थया हता, जेमांथी 4 नी हालत गंभीर होवानुं कहेवायुं छे। तमाम घायलोने नजीकनी हॉस्पिटलमां दाखल करवामां आव्या छे। गंभीर रीते घायलोने लखनऊ ट्रोमा सेंटरमां रिफर करवामां आव्या छे। अकस्मात बाद पोलीस घटनास्थले पहोंचीने ट्रकनी शोधखोळ हाथ धरी। तो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जसराना में मंगलवार हृदयद्रावक अकस्मात सर्जायो हतो। जसनारा में इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्निचर की दुकान में आग लागवाना कारण एक ज परिवार 6 लोगोना मौत निपज्या हता। पुलिस जणाव्या अनुसार मृत्यु पामेला में 4 बाळको पण सामेल छे। खानगी समाचार एजेंसी जणाव्या अनुसार आग लागवानुं कारण शोर्ट सर्किट होवानुं जाणवा मळ्युं छे। अकस्मात बाद घटनास्थले होबाळो मची गयो हतो। मुख्य प्रधान योगी आदित्यनाथे फिरोजाबाद में थयेला भयानक अकस्मात पर ऊंडू दुख व्यक्त कर्युं हतुं। तो देश की राजधानी दिल्ली में ठंडी वधवानी साथे प्रदूषण जोखम पण वधी रह्युं छे। शियाळानी शुरुआत थतानी साथे ज प्रदूषण काबू बहार थतुं जोवा मळी रह्युं छे। 30 नवम्बरे घणा विस्तारों में एक एर क्वालिटी इंडेक्स 400 ने पार करी गयो, त्यारे हवामान विभाग जणाव्या अनुसार आगामी दिवसों में तापमान में वधु घटाड़ो नोंधाशे, तेमज एर क्वालिटी इंडेक्स पण खूब ज नबळी श्रेणी में रहेशे। तो आ साथे आगामी दिवसों में स्मोगनु जोखम पण वधी रह्यु छे। दिल्लीना आकाश में सवारे धुम्मस जोवा मळ्यु हतु। आवी स्थिति में वधता प्रदूषणनी साथे स्मोगना खतरानी पण चेतवणी आपवामां आवी छे। पेन्टागोना एक रिपोर्ट में चीन ने लईने मोटो खुलासो थयो छे, जेमां जणाववामां आव्युं छे कि केवी रीते चीन पोताना परमाणु हथियारों स्टॉक झड़पथी वधारी रह्यो छे। रिपोर्ट में कहेवामां आव्युं छे कि आगामी 12 वर्ष में चीन पासे 1500 वधु परमाणु हथियार हशे। तमने जणावी दईए कि पेन्टागोन अमेरिकानुं डिफेन्स डिपार्टमेंट छे,
जे आंतरिक सुरक्षा सेवाए दुनिया में थती तमाम गतिविधियों पर चांपती नजर राखे छे। आ रिपोर्ट में कहेवामां आव्युं कि चीने अंदाजित स्पीड थी वधु काम कर्युं अने हवे तेनी पासे लगभग 400 परमाणु हथियार छे। तो मल्लिकार्जुन खड़गेना निवेदन बाद भाजपे कांग्रेस पर आकरा प्रहार कर्या हता, त्यारे भाजपना राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फरन्स संबोधता जणाव्युं हतुं कि कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी अने गुजरातीओनुं अपमान करवामां आवी रह्युं छे। पहला पीएम मोदी ने मौतना सौदागर कहेवामां आव्या अने बादमां पीएम मोदी ने रावण कहेवामां आव्या। कांग्रेसना नेताओ आ प्रकारना निवेदन सोनिया गांधीना कहेवा प्रमाणे आपी रह्या छे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल और भाजप वच्चे नवो विवाद शुरू थयो, त्यारे तृणमूल धारासभ्य साबित्री मित्रा मुखर्जीए वडाप्रधान मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तेमज अन्य भाजपना नेताओं की तुलना कौरवों साथे करी। तो अपमानजनक टिप्पणी ने लईने पश्चिम बंगाल भाजपना नेताओं साबित्री मित्रा मुखर्जी ने माफी मांगवा जणाव्युं, परंतु तृणमूल कांग्रेस धारासभ्यों पोताना निवेदन अंगे माफी मांगवानो इनकार कर्यो। तो ब्रिटनना पीएम ऋषि सुनके भारत साथे व्यापार संबंधों सुधारवानी पहल करी। तो आ मामले ब्रिटनना पीएमए जणाव्यु के भारत साथे मुक्त व्यापार करार करवा अंगे चर्चा पण करी। तो भारतना वडाप्रधान पीएम मोदी अने सुनक शक्य होय तेटला वहेली तके काम करवा अनुरोध कर्यो। तो ऋषि सुनके भारत पेसिफिक क्षेत्रना संबंधों ने वधु मजबूत करवा माटे ध्यान आप्यु, त्यारे आ योजनाना भागरूपे भारत साथे मुक्त व्यापार करार माटे पण ब्रिटननी प्रतिबद्धतानो पुनरुच्चार कर्यो हतो। तो विधानसभा की चूंटणी वच्चे उत्तर प्रदेश रामपुर जिला में भाजप अने समाजवादी पार्टी आमने सामने आवी। रामपुर में चूंटणी प्रचार दरमियान आजम खाने कह्युं हतुं के सरकारे तेमना पर घणा अत्याचारों कर्या छे अने हवे मात्र एटलुं ज बच्युं छे के तेमने भारतमांथी हांकी काढवा जोईए। आजम खानना निवेदन पर उत्तर प्रदेशना नायब मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्याए प्रतिक्रिया आपी। केशवे कह्युं के जो आजम खान आ दुनिया छोड़ी जशे तेना पापोनी सजा कोण भोगवशे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग राजे खुशी थी जोड़ाया, त्यारे आवनारा समय में राहुल गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करशे। परंतु राहुल गांधी ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा शुरू थाय ते पहला राजस्थान ना सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रेस कॉन्फरन्स करवामां आवी हती, जेमां सचिन पायलट अशोक गहलोते जणाव्युं हतुं के राजस्थान में योजनार भारत जोड़ो यात्रा खूब ज महत्वपूर्ण बनी रहेशे। तो राज्यसभाना सांसद संजय राउते दावो कर्यो के काश्मीर फाइल्स फिल्म एक खास पक्षनो प्रचार करी रही छे अने बीजा पक्ष विरुद्ध दुष्प्रचार करवामां आवी रह्यो छे। फिल्मोमां एक पक्षनुं मोटा प्रमाणमां प्रमोशन करवामां आव्युं, जेथी जम्मू काश्मीरमां काश्मीरी पंडितो पर हुमलानी संख्यामां वधारो थयो। जम्मू काश्मीरमां टार्गेट किलिंग अने सौथी वधारे हत्यानी घटनाओ बनी। संजय राउते जणाव्युं के ज्यारे काश्मीरी पंडितोने सहायनी वात करवामां आवी हती त्यारे फिल्म बनावनारे कोई पण प्रकारनो जवाब आप्यो न हतो। तो वर्ष 2022 में सौथी वधु चर्चा में रहेली द काश्मीर फाइल्स फिल्म फरी एक वक्त चर्चा में छे, त्यारे गोवा आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 ना ज्यूरी प्रमुखे आ फिल्म ने वल्गर अने प्रोपगेंडा फिल्म गणावी। तो बीजी तरफ फिल्म अभिनेता अनुपम खेर नदर लॉपिड ना निवेदन ने लईने ट्वीट कर्युं अने कह्युं के जुठ्ठाणुओं कद केटलुं पण ऊंचुं केम न होय, सत्यना मुकाबला करता हमेशा नानुं ज कद होय छे। तो बीजी तरफ अशोक पंडिते तेने काश्मीरीओनुं अपमान गणाव्युं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पेटा चूंटणी ने लईने भाजप अने सपा वच्चे जोरदार टक्कर चाली, त्यारे बंने पक्षों एक बीजा पर शाब्दिक तीर छोड़वामां व्यस्त छे। तो करहाल में योजायेली एक चूंटणी रेली दरमियान यूपीना सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव ना काका शिवपाल सिंह यादव ने लोकल कहा था, त्यारे ते बाद योगी आदित्यनाथ ना निवेदन थी हचमची गयेला अखिलेशे पण निवेदन आपता कह्युं हतुं के आ पेटा चूंटणी में फूटबॉल प्रवेशी गयुं छे। तेम कह्युं के जाना जवाब में शिवपाल सिंहे पोताना मैदान में उतर्या पोतानी शैली में जवाब आप्यो हतो। तो भारत अने इंडोनेशिया में आंतरधार्मिक शांति अने सामाजिक समरसतानी संस्कृति ने प्रोत्साहन आपवा माटे उलेमानी भूमिका पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक कॉन्फरन्स योजाई थी। आ कार्यक्रम में पोताना संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाले भावपूर्वक जणाव्युं हतुं के सीमापारनो आतंकवाद अने
आईएसआईएस प्रेरित आतंकवाद मानवता माटे खतरो छे, जो के कोई ध्येय प्राप्त करवा माटे धर्मनो उपयोग करवामां आवे तो तेने योग्य गणी शकाय नहीं। देशनी राजधानी दिल्लीना छतरपुरमां श्रद्धा मर्डर केस पर चाली रहेली बेटी बचाओ महापंचायतमां हाई वोल्टेज ड्रामा जोवा मळ्यो हतो। हाई वोल्टेज ड्रामामां एक महिलाए स्टेज पर एक पुरुषने चंपलथी धनाधन मारवानुं शरू कर्युं, त्यारे हकीकतमां हंगामा पाछळनुं कारण पारिवारिक विवाद हतो। तो बीजी तरफ त्यां हाजर लोकोए कह्युं के आ बधुं महापंचायतने बगाड़वानुं षड्यंत्र छे। महिलाए जाणी जोईने आ तक पसंद करी होवानुं मानवामां आवी रह्युं छे। तो बीजी तरफ महिलानुं कहेवुं छे के तेनी पुत्रीनुं अपहरण करवामां आव्युं हतुं, અને જેમાં સ્ટેજ પર હાજર પુરુષના પુત્રએ તેની પુત્રી સાથે બળજબરી પૂર્વક લગ્ન કર્યા હતા, જેથી મહિલા ગુસ્સે હોવાનું સામે આવ્યું।